मुंबई से आ रही है एक दिल को दहलाने वाली खबर। घाटकोपर इलाके में गुरुवार यानी आज एक चार्टर्ड प्लेन निर्माणाधीन इमारत पर गिर गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 पायलट, 2 एयरक्राफ्ट मैकेनिक इंजीनियर और एक राहगीर शामिल हैं। प्लेन जे प्लेन प्लेन अच्छे आलू नीचे थी गए ड्रोन प्लेन है इनके ड्रोन है से ऊपर थी इन्हें कोशिश करी है से कोशिश करी है हेलीकॉप्टर लगे हेलीकॉप्टर जा रहे हैं आवाज तो हो जाए वो जो अच्छा जी आप लोग की आज तो आवाज नहीं खाली गाड़ी में बहुत बड़ा आवाज आया हां बहुत आया आवाज इतना आया पेट्रोल पेट्रोल बोले पड़ेलू श्वास आया प्लेन दोपहर करीब 1:13 पे गिरा। घाटकोपर के सर्वोदय नगर स्थित रिहायशी इलाके में गिरा है ये प्लेन। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB हादसे की जांच करेगा। नागरिक उड़ान मंत्री सुरेश प्रभु ने अधिकारियों को मौके पर जाने और तेजी से राहत के कार्य करने के निर्देश दिए हैं। नागरिक उड़ान मंत्री सुरेश प्रभु ने अधिकारियों को मौके पे जाकर तेजी से राहत के कार्य करने के आदेश दिए हैं। प्लेन को रिहायशी इलाके से दूर ले जा रहा था पायलट। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे के बाद उसने एक शख्स को लपटों में घिरा देखा। बताया जा रहा है पायलट इस प्लेन को निर्माणाधीन इमारत की तरफ ले गया ताकि ज्यादा लोग हताहत ना हो। शुरुआत में कहा जा रहा था कि ये विमान यूपी सरकार का है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव SP गोयल ने कहा कि मुंबई में प्लेन क्रैश जो हुआ है उसे सरकार ने 2014 में ही बेच दिया था। मुख्य सचिव सूचना अविनाश अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से यूवी एविएशन ने ये प्लेन खरीदा था। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक कोठारी हैं। इलाहाबाद में इस प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ये डील की गई थी। एरो मार्केट वेबसाइट के मुताबिक अगर आप देखें इस प्लेन की जो कीमत है वो बताई जा रही है $8,25,000 यानी आज की डेट में इस विमान की जो कीमत थी वो थी 5,70,00,000 रुपए। इस पूरी घटना पर हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल की खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ द रूस्टर न्यूज जो आपको वो तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। नमस्कार।